प्रिया धीर, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। तेलंगाना स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई की समृद्धि की कामना। बीजेपी ने ब्रजभूषण को दी आक्रामक बयानबाजी से बचने की नसीहत, 5 जून की रैली रद्द करने को कहा। दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जून तक बढ़ी, कोर्ट ने दी लोकअप में वकील से मिलने की अनुमति। रांची में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। साक्षी हत्याकांड में जिस चाकू से साहिल ने किए थे ताबड़तोड़ वार, दिल्ली पुलिस ने किया बरामद। महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 93.83% परीक्षार्थी पास। मणिपुर में सुधर रहे हालात, इम्फाल समेत 12 जिलों में कर्फ्यू में दी गई ढील। केरल में गठबंधन को लेकर अमेरिका में बोले राहुल गांधी, मुस्लिम लीग पूरी तरह सेक्युलर पार्टी। मायावती ने अमेरिका में दलितों पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी को घेरा। मध्य प्रदेश में दमोह के स्कूल ने विवाद के बाद बदला ड्रेस कोड, अब हिजाब जरूरी नहीं। छत्तीसगढ़ में महिला पहलवानों के समर्थन में नक्सली कांकेर में लगाए पोस्टर। अतीक अहमद की हत्या के बाद गैंग दो फाड़, शाइस्ता और अशरफ की पत्नी ने बनाए अपने अपने गुट। बिहार में 35 साल बाद बदलेगा विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम, रोजगार पर होगा जोर। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग के अंगद राय पर एक्शन, 4,58,00,000 से अधिक की संपत्ति जब्त। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 35 पैसे की उछाल के साथ 82.40 पर पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, नाटो में जल्द शामिल हो सकता है स्वीडन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।